नमस्कार खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु मनोरंजन दर्शक बंधु सी धर्मगुरु सनातन धर्मर सर्वोत्तम सबुठ उच्चर थिबा मार्गदर्शक दरकार पड़िले यूएन बा जातिसंघ एपरिक विश्व बैंक एवं इसरो को जाकि मार्गदर्शन करती चंद्रायन सफलता पर चंद्र ने पात थापिला परे विज्ञान और विश्वास आविष्कार और चमत्कार को नहीं देखा द्वंद उपरे मार्गदर्शन पाई आज खोला कथार हॉट सीट रे पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती गुरुजी खोला कथा को स्वागत। चंद्र को नहीं आम पाखे मंत्र थिला एबे जंत्र जाकि पहुँची जाइए महाभारत में भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को चंद्रमा की परिधि कितनी है उसकी मोटाई कितनी है सबका वर्णन किया है। एक वक्तव्य भी मेरा प्रसारित हुआ था कंप्यूटर में वो वचन भी स्थित है। तो ऋषि मुनि होते थे नारद जी आदि 14 भुवन में उनकी अबाध गति होती थी अपने जीवन में कर्म उपासना के योग के प्रभाव से वह दिव्यता अर्जित करते थे। 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में उनकी सर्वत्र गति होती थी सनकादि की शुकादि की नारदादि की। हमें प्रसन्नता है कि भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनको सफलता मिली है और भी सफलता की ओर अग्रसर हों हमारी भावना है। चंद्रपृष्ठ रे जितेबले विज्ञान रो आविष्कार हला एबे चंद्र रो धर्मीय गुरुत्व कमिबो कि वेदादि शास्त्रों में विस्तार पूर्वक चंद्रमा का सूर्य का चंद्रमंडल का सूर्यमंडल का वर्णन है। इसी प्रकार अग्निमंडल का वर्णन है जलमंडल का वर्णन है पृथ्वीमंडल का वर्णन है। ऋषियों के लिए कोई नई चीज़ नहीं वैज्ञानिकों के लिए नई चीज़ हो सकती है। जितेबले चंद्र रे विज्ञान पहुँची एवं विज्ञान रे चंद्र को नहीं कि तार आविष्कार करुच्छे नुआ नुआ तथ्य पाऊँ से धर्म ग्रंथ रे जो चंद्र को वर्णना करा जाइछि तार गुरुत्व उपर कौन से प्रभाव पड़ी। वायु पुराण में चंद्रमा का विस्तृत वर्णन है महाभारत में वर्णन है जितना विस्तृत वर्णन उन ग्रंथों में है उतनी जानकारी अभी आधुनिक वैज्ञानिकों को नहीं है। वो चाहे तो महाभारत वायु पुराण आदि का अध्ययन करके या हम लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करके चंद्रमा की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपण तो चंद्रायन पूर्वर इसरो को जाइले वैज्ञानिक मान को कौन मार्गदर्शन करते 1000 वैज्ञानिक थे उनके बीच में हमारा प्रवचन हुआ था और कई जगह वैज्ञानिक संस्थानों में मेरा प्रवचन हुआ है। गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से विज्ञान में भी गति है दर्शन में भी गति है व्यवहार में भी गति है। वायुपुराण रो उल्लेख करुले वायुपुराण रे चंद्र को नहीं कि एमती कौन वैज्ञानिक तथ्य अच्छी जहाँ एवं वैज्ञानिक मान को सुविधा हे सुजोग सृष्टि कर। तो यंत्र से आप लोग परिचित हैं उसके मूल में तंत्र होता है तंत्र के मूल में मंत्र होता है। मंत्र का अर्थ क्या है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अव्यक्त और आत्मा में अनुगत सिद्धांत का नाम ही मंत्र हो जाता है। तंत्र का अर्थ होता है कि किसी भी सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने के प्रोसेस मेथड या विधा का नाम तंत्र होता है। यंत्र उसको कहते हैं जिसे उत्पत्ति स्थिति संभार निग्रह अनुग्रह संग पंचकृत्य में एक या एक से अधिक कृत्य का निर्वाह हो। महायंत्र उसको कहते हैं जिसमें वैकल्पिक प्रज्ञा माने बुद्धि प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति का आधान कर दिया जाए। महायंत्रों के आविष्कार के मूल में भावना क्या होती है तो यंत्र के मूल में तंत्र तंत्र के मूल में मंत्र। यंत्र का अर्थ मैंने बता दिया जिससे उत्पत्ति आदि कृति का संपादन हो। तंत्र का अर्थ है प्रोसेस मेथड या विधा जो किसी भी सिद्धांत को यंत्र तक पहुँचा सके और मंत्र का अर्थ होता है सिद्धांत। तो मंत्र तंत्र यंत्र दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों का विशद विज्ञान हमारे ग्रंथों में पहले से ही है। वैदिक विज्ञान रू हमें चंद्र संपर्क रे कौन जानी था। वैदिक विज्ञान का अर्थ है वेद और वेद सम्मत जितने ग्रंथ हैं पुराण इतिहास स्मृति उनमें सन्निहित जो ज्ञान है विज्ञान है उसी का नाम वैदिक विज्ञान कहते हैं। वैदिक विज्ञान से बढ़िया क्या होगा निर्विशेषता की अवधि परमात्मा है उससे एक गुण संपन्न आकाश फिर 2 गुण संपन्न वायु फिर 3 गुण संपन्न अग्नि फिर 4 गुण संपन्न जल फिर 5 गुण संपन्न पृथ्वी की उत्पत्ति होती है
पृथ्वी के कार्य वृक्ष आदि हैं, लेकिन उनमें छठा गुण नहीं होता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच ही गुण होते हैं, और हमारा आपका जो जीवन है वो प्रयोगशाला है अनुभूति के लिए। अगर कोई छठा गुण होता तो हमारे पास पांच नहीं छह ज्ञान इंद्रियां होती। तो पृथ्वी विशेषता की अवधि और परमात्मा निर्विशेषता की अवधि, निर्विशेष से सन्निकट से विशेष की उत्पत्ति होती है, और सविशेष जो है सन्निकट निर्विशेष का रूप धारण करता है तब प्रलय है। इसलिए उत्पत्ति और प्रलय का विज्ञान हमने बता दिया संक्षेप में। तो आपण मत रे चंद्र रे जीव जगत रो संभावना कितनी? मैंने कहा कि जितने लोग हैं वहाँ प्राणी रहते ही हैं, सृष्टि की रचना हुई है। जितने लोग हैं लोकांतर हैं, चंद्रमंडल है, सूर्यमंडल है, अग्निमंडल है, वायुमंडल है, आकाशमंडल है, पृथ्वी का मंडल है, सब जगह प्राणी रहते हैं। प्राणियों के प्रभेद का वर्णन जो है तैतृय उपनिषद में है। जैसे मनुष्य पृथ्वी लोक में, उससे ऊपर मनुष्य गंधर्व होते हैं, उसके बाद गंधर्व होते हैं, इसी प्रकार से अंत में इंद्र होते हैं, फिर बृहस्पति होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, तारतम्य है ऊपर के लोकों में। नीचे भी अतल वितल तलातल असातल महातल पाताल, कहीं नाग होते हैं, कहीं भूत प्रेत आदि होते हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कोई ऐसा लोक नहीं है, भुवन नहीं है जहाँ प्राणी ना रहते हों। किस लोक में कौन से प्राणी रहते हैं, किस प्रकार के प्राणी रहते हैं, सबका वर्णन। तबे जो गगनयान रो जो प्रयास ये कितने सफल हो बोली अपन भावु छंती? सूर्य तो पहले से हैं, अपनी मति मेधा शक्ति प्रज्ञा शक्ति की सीमा में सूर्य का अध्ययन करेंगे। सूर्य से हमको आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अबे सूर्यमंडल में पहुंचवा पाई प्रयास कर छ, यंत्र को पहुंचा दिया, सूर्यमंडल तक भी पहुंचा, ये हमारी भावना है। हम वैज्ञानिक जगत का सम्मान करते हैं, वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं। वैज्ञानिक अपनी मेधा शक्ति ऊर्जा शक्ति को विकसित करें। गुरुजी सांप्रतिक परिस्थिति रे सारा विश्व रे हिंदू धर्म रो प्रासंगिकता केते? हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं, वैदिक धर्म कहते हैं, आर्य धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ क्या होता है? धारणा धर्म। अमर कोश का अध्ययन करें, मत्स्य पुराण आदि का अध्ययन करें, तो धर्म का अर्थ दो ढंग से होता है, सिद्ध कोटि का धर्म, एक साधु कोटि का धर्म। सिद्ध कोटि के धर्म को कहा गया धारणा धर्म। कठोपनिषद में आत्मा या परमात्मा का नाम धर्म है, बौद्धों के यहाँ भी आत्मा का नाम धर्म है। मैं उदाहरण देता हूँ, पृथ्वी के जितने कार्य हैं उनको धारण करने वाली पृथ्वी, उसका नाम धर्म है। पृथ्वी को धारण करने वाले जल का नाम धर्म है, जल को धारण करने वाले अग्नि का नाम धर्म है, अग्नि को धारण करने वाला जो वायु तत्व उसका नाम धर्म है, वायु को धारण करने वाला आकाश का नाम धर्म है, आकाश को धारण करने वाला बीजावस्थापन अव्यक्त का नाम धर्म है, अव्यक्त को धारण करने वाला परमात्मा या आत्म तत्व का नाम धर्म है। जितने पदार्थ हैं उनमें सत्ता चित्ता प्रियता परमात्मा की विद्यमानता से ही है। जो जिनस को विश्वास करुचु यदि से जिनस को अध्ययन करागला वैज्ञानिक तथ्य आसला सीए धर्म पर गोटे संकट हो पारे कि? धर्म पे कोई संकट नहीं है, धर्म को न मानने वालों पे संकट है। तो जितेबले लोक बाहर आपण पाखर उपदेश नौ सांप्रतिक सरकार आपण पाखर उपदेश नौ ना? सरकार की हमें जरूरत नहीं है, सरकार को सरकना हो हमको न माने। सरकार को अगर अपना प्रभाव दिखाना हो तो उसकी लाचारी है कि यहाँ आकर के मार्गदर्शन ले। हम जो है मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस कहावत को चरितार्थ नहीं करना चाहते। सुनिए सरकार का अर्थ क्या है, राजनीति ना, राजनेता ही तो शासन करते हैं। राजनेता शासन करते हैं यह बात ठीक है, लेकिन धीरे से मैं बोल रहा हूँ, वो देशी विदेशी कंपनियों को ठेका देने की क्षमता रखते हैं, शासन करने की क्षमता नहीं रखते। भविष्य में जब राजनेता शासन करने की क्षमता ठेका देने की भी क्षमता नहीं रखेंगे तब कंपनियां ही शासन करेंगी। तो राजनीतिक क्षेत्र में पतन की पराकाष्ठा है, धर्म का पतन। अच्छा, आपने राजनीति और राज की बात कही, मनुस्मृति में महाभारत आदि में राजनीति राजधर्म क्षात्र धर्म दंड नीति अर्थनीति पांच समानार्थक हैं। धर्म का अतिक्रमण करके राजनीति हो ही नहीं सकती। राजनीति को ही राजधर्म कहते हैं, उसी को क्षात्र धर्म क्षत्रियों का धर्म कहते हैं, उसी को दंड नीति कहते हैं, उसी को अर्थनीति कहते हैं। धर्म की सीमा के बाहर राजनीति नहीं हो सकती। पानी है सामने लोटा में, पानी अपने गुणधर्म को त्याग कर दे तो हम प्यासे मरें या नहीं?
अन्न अगर अपने गुणधर्म को त्याग कर दे तो हम भूखे मरे या नहीं, आँखा पर अपने गुणधर्म को त्याग कर दे तो हम अंधे हो या ना, कान अगर अपने गुणधर्म का त्याग कर दे तो हम बहरे हों या ना हों, किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम धर्म है, धर्म का खंडन कौन कर सकता है। गुरु जी लैपटॉप व्यवहार करुछंती तो आधुनिक विज्ञान जुगरे प्राचीन परंपरा रखते आपको मालूम होना चाहिए ये किसकी देन है। भारती कृष्ण जी महाराज जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स दिया इस मठ के इस पीठ के 143वें शंकराचार्य उनके शिष्य और प्रशिष्य जो अंग्रेज थे उन्होंने इसका आविष्कार किया, इस मठ की देन है कंप्यूटर। तो आधुनिक विज्ञान जुगरे और प्राचीन परंपरार आवश्यकता बढ़ी ची ना कमी ची। आधुनिक विज्ञान जो है मैंने कहा ना दर्शन का ही फल है विज्ञान, विज्ञान के मूल में क्या होता दर्शन, दर्शन विज्ञान फिर व्यवहार, व्यवहार के मूल में विज्ञान, विज्ञान के मूल में दर्शन। इसीलिए हमारे यहाँ पुष्पक यान था या नहीं, वैसा यान तो आज तक बना नहीं, पुष्पक यान जैसा यान तो आजकल नहीं बना, न पेट्रोल न डीजल की आवश्यकता न उसमें चालक की आवश्यकता ये सब। इसलिए ज्ञान विज्ञान का स्रोत तो सनातन सिद्धांत ही है। शंकराचार्य पीठर स्थापना जो उद्देश्य नहीं की ही ता साधित तो ही ना राजनीति जो बाधित तो हुई ना बाधित क्यों है, हम लोग दहार रहे हैं राजनेता ही अपना मुँह छिपा के भक्त हैं। शंकराचार्य की स्थापना क्यों हुई, पीठ की स्थापना क्यों हुई मालूम है, पीठ की स्थापना हमारा जो उद्देश्य होता है क्या होता है, जो अल्प ज्ञान विज्ञान है उसको विस्तृत करना या विस्तृत ज्ञान विज्ञान को समाज शैली में संक्षेप में व्यक्त कर देना और कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भासित करना, शासन तंत्र में अभ्यास पीठ में कोई विसंगति हो दूर करके दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करके रामराज और धर्मराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करना, शंकराचार्य की उपयोगिता कभी विलुप्त नहीं होती। आसंता 50 वर्ष रे भारत बाहर हिंदू धर्म को लेकर आपण परिकल्पना कौन संक्षेप में कहेंगे। सुशिक्षित सुरक्षित संपन्न सेवा परायण स्वस्थ सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना यही हिंदुत्व की पहचान है, इसका खंडन कौन करेगा। अमेरिका में विचार करके देखें तो हमारे पास सुनिए, 30 साल पहले मैं शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुआ, अमेरिका से मेरे पास सूचना आई हमारे 4 लाख पूर्वजों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, उसकी वेदना हमारे हृदय में है भले ही हम क्रिश्चियन हैं, समझ गए। फिर हमारे पास अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है भारत विभाजन का केंद्र, वहाँ से सूचना आई आज हम भले ही मुसलमान हैं लेकिन मौलिक सिद्धांत यह है कि हमारे पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, गुलाम नबी आज़ाद आदि भी कह रहे हैं ना, हाँ हमारे पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, सबके पूर्वज का नाम है सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, हिंदुओं का सिद्धांत जो है सनातन सिद्धांत है जिसके आधार पर सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि का पालन होता है, सृष्टि का संहार होता है, निग्रह होता है, अनुग्रह होता है, वो हिंदू सिद्धांत जिसके द्वारा शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहते हैं, वो हिंदुओं का सिद्धांत जिसके द्वारा मातृशक्ति का सिर सुरक्षित रहता है, वो हिंदुओं का सिद्धांत जिसके द्वारा बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहती है उसका नाम हिंदू सिद्धांत, जिसके द्वारा पृथ्वी जल तेज वायु जो पर्यावरण के स्रोत हैं ये विकृत होने से बचे रहते हैं उस सिद्धांत का नाम हिंदू सिद्धांत, उसको छोड़ करके तो कहीं भी प्रगति नामक कोई चीज़ हो नहीं सकती। गुरु जी चमत्कार को नमस्कार करिवा ना वैज्ञानिक आविष्कार करिवा। पंचदशी नामक वेदांत का ग्रंथ है उसमें लिखा है दूसरों के लिए जो चमत्कार होता है वो जानकार के लिए विज्ञान होता है, चमत्कार के बोल में कोई विज्ञान होता है या नहीं, जो रहस्य नहीं जानता उसके लिए चमत्कार होता है, जो रहस्य जानता उसके लिए विज्ञान होता है। कहाँ लिखा है पंचदशी नामक वेदांत का ग्रंथ। विज्ञान और विश्वास गोटे धारा रे चली परिव, विश्वास और विज्ञान क्या हुआ, विज्ञान वैज्ञानिक तथ्य में विश्वास होना चाहिए, जो तथ्य विदित नहीं है शास्त्रों में है उस पर विश्वास के बाद विज्ञान, विश्वास के बाद विज्ञान होता है, विज्ञान के बाद विश्वास की परिपुष्टि होती है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें क्या आपत्ति। इबे अनेक हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र दावी करछंती एथरे गुरुजी मत कह, हिंदू हिंसा दीनता दरिद्रता का जो दूषण करे भटकने न दे उसका नाम हिंदू, हिंदू शब्द का अर्थ होता है हिमालय से लेकर
हिंदू सरोवर तक अर्थात मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्रफल है हिंदू। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे। और हिंदू शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ है? मेदिनी तंत्र में है, कालिका पुराण में है, बृहस्पति आगम में है, ऋग्वेदादि में है। हिंदू शब्द का प्रयोग, हिंदू शब्द कोई नया नहीं है। इसी प्रकार से हम आप कहते हिंदू कूट कहते हैं, वहाँ भी हिंदू शब्द है। एवं अनेक हिंदू धर्मावलम्बी पारंपरिक मठ आ मंदिर आसवा परिवर्ते अनेक बाबा सन्यासी पाखक जाऊँगी, जिनके जीवन में जैसी क्षमता होती है वो उसी ढंग के व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। सबके प्रति सब आकृष्ट नहीं होते ना। लोहा जो है उसको चुंबक का सम्मुख और सानुकूल प्राप्त हो जाए, चुंबक की ओर सब आकृष्ट होगा। एक बुरा मत माने, मक्खी गुबरीला जो कीड़ा होगा विष्ठा की ओर ही आकृष्ट होता है। भ्रमर जो होता है पराग मकरंद से पुष्प की ओर आकृष्ट होता है। जिसमें जिसकी क्षमता होती जितनी उसी ढंग से व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होता है। सब संत महात्मा के प्रति ही कभी आकृष्ट होंगे। दूध के दुकान भी है, शराब की दुकान भी है, शराबी तो शराब की दुकान में जाएगा, उसमें क्या मतलब। किंतु जगन्नाथ मंदिर ठू शंकराचार्य परंपरा मठ अति पुराणा, तेणु मंदिर नीति कांति एवं परिचालन गुरुजी जी मार्गदर्शन नवा कथा। ऐसा है, सरकार को शंकराचार्य नहीं चाहिए, समिति को शंकराचार्य नहीं चाहिए, गजपति जी को शंकराचार्य नहीं चाहिए, मंदिर को शंकराचार्य नहीं चाहिए। तो शंकराचार्य को क्या गरज है कि हम झांकने जाएं? जगन्नाथ जी के प्रति हमारी आस्था है, लेकिन शंकराचार्य न होते तो जगन्नाथ जी की पुनः प्रतिष्ठा कौन करते? द्वारकाधीश की पुनः प्रतिष्ठा कौन करते? इसी प्रकार बद्रीनाथ की पुनः प्रतिष्ठा कौन करते? तो समझना चाहिए शंकराचार्य की तो देन है ये सब ना। गोवर्धन मठ पूरी पीठ ये भी यहाँ पर तो पुनः प्रतिष्ठा शंकराचार्य ने किया नहीं सबकी। इसलिए शंकराचार्य ने होते तो क्या हिंदुओं का अस्तित्व होता, क्या आदर्श होता। किंतु सांप्रतिक परिस्थिति रे गुरुजी जितकी मार्गदर्शन नवा कथा नीति कांति परिचालन रे तो देखा जाऊ नहीं। मेरे पास आने में उन लोगों को संकोच होता है कि मैं खाऊ नहीं हूँ। मैं भी खाऊ होता तो माऊ लोग आते। ये परंपरा उपरे प्रशासन रो अतिक्रमण नुहे कि? प्रशासन सुनिए, प्रशासन नामक क्या चीज़ है? कोई भी देख लीजिए आजकल प्रशासन का क्या अर्थ होता है। उड़ीसा की बात नहीं है, पूरे देश में देख लीजिए गोहत्या का समर्थन प्रशासन के द्वारा होता है या नहीं, यही प्रशासन की पहचान है क्या? और जितने वनवासी हैं छलवल डंके की चोट से सेवा के नाम पर उनको क्रिश्चियन बनाया जाता है या नहीं? गरीबी पालते हैं राजनेता और लाभ उठाने देते हैं क्रिश्चियनों को। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ आदि की बात देखिए, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास हिंदू नेता करते या नहीं? इसका मतलब क्या है कि वो शासन करने के व्यामोह में कुछ भी अत्याचार कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता होते हैं, जैसे मान लो आदित्यनाथ योगी जैसे, जो घर भरने के लिए नेता नहीं हुए हैं, सचमुच में देशभक्त हैं, विश्वभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, ऐसे भी हैं। दोनों तरह के होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राजनेता देश को चला सकते ठीक ढंग से। राजनेताओं को भी जब राम जी को वशिष्ठ की आवश्यकता थी या नहीं, पृथ्वी जी को भृगु जी की आवश्यकता थी या नहीं, और युधिष्ठिर जी को व्यास जी की आवश्यकता थी या नहीं, धौम जी की आवश्यकता थी या नहीं, सुधन्वा को शंकराचार्य की आवश्यकता थी या नहीं, शिवाजी को समर्थ रामदास जी की आवश्यकता थी या नहीं, इसी प्रकार विक्रमादित्य जी को नवरत्न की आवश्यकता थी या नहीं। तो व्यासपीठ की वो विशेषता है कि यहाँ की उपेक्षा करके कोई शासन तंत्र ठीक ढंग से चल नहीं सकता है। हम किसी शासन तंत्र में रोरा नहीं अटकाते, अपनी जगह बैठ के चैन से बांसुरी बजाते हैं। वह स्थान है, वह ज्ञान विज्ञान है। अगर कोई इससे जोठी अन्याय होची, जोठी अन्याय होची बा शंकराचार्य पीठ को असम्मान होची, शंकराचार्य सीठी प्रतिवाद करिवे नहीं? हम इनके सम्मान के ऊपर निर्भर नहीं करते। हमारा सम्मान देवलोक में भी है, ब्रह्मलोक में भी, इंद्रलोक में भी है। और अगर आपको क्षमता हो तो चंद्रयान के साथ आप पहुँच जाइए, जिस लोक में आप जाइएगा वहीं मेरा सम्मान। मैं कोई यहीं नहीं रहता हूँ, चंद्रमंडल में भी रहता हूँ, ब्रह्मलोक में भी रहता हूँ। मैं कोई यहाँ का आया हुआ नहीं हूँ। मेरी गति चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में है। कौन सा ऐसा लोक है जहाँ मेरा सम्मान नहीं है, शंकराचार्य का सम्मान नहीं? तो सांप्रतिक परिस्थिति को देखिले हिंदू धर्म पाई सबुठ बड़ा विपत्ति कौन है? विपत्ति कुछ नहीं, जो लोग नहीं मानते उन पर विपत्ति है।
ना अपने अस्तित्व की रक्षा कर पा रहे हैं, ना आदर्श की रक्षा कर पा रहे हैं, ना भोग उनको मिल रहा है, ना मोक्ष मिल रहा है। धर्म पर विपत्ति नहीं, धर्म की विपत्ति का अर्थ क्या होता है? यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारतम। धर्म के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को न समझ कर न पालन करना, यही धर्म की ग्लानी है। मान लीजिए कि 99 व्यक्ति झूठ बोलता हो तो सत्य पर आपत्ति हो गई, सत्य भाषण पर। लेकिन वास्तव में 99 व्यक्ति जो झूठ बोलते हैं वो झूठे से दो जाएंगे, सत्यवादी की विजय होगी। धर्म पर कोई आपत्ति नहीं, धर्म न मानने वालों पर आपत्ति। धन्यवाद गुरुजी। इतने समय धरि ज्ञान, विज्ञान, विश्वास, चमत्कार, आविष्कार को नहीं कि आम सहित आलोचना करते। दर्शक बंधु, आज तो खोला कथा रे समय जाइछि, पुणी आर थरको आउ जणे चर्चित चेहरा सहित खोला कथा रे खोला खोली आलोचना करिबा। खुल्लम खुला, नमस्कार।